हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ इस तरह की रेटिंग। तो फ्रेंड्स, जो पिक होगी हमारी वो बिल्कुल सिंपल होगी। और जो फ्रेंड्स ये जो एडिट है वो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है। तो हम आज इसे पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम की हेल्प से एडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम इस पिक को कटआउट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है पिक्सआर्ट में। उसके बाद हम यहाँ से कटआउट में जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ से साइड साइड से इरेज कर देंगे, जैसे कि हमारी ये फोटो अच्छे से कटआउट, हमारी पिक जो है कुछ इस तरह से कटआउट होके हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम अपनी बैकग्राउंड का यहाँ पर ले लेंगे। तो जो फ्रेंड्स हमारी बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से जाएंगे, नीचे से टूल्स में जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आपको इस बैकग्राउंड की रिसर्च कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी कुछ भी डाल लेना, 6000 डालता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं राइट, और उसके बाद रिसर्च करते हैं तो कुछ साइज़ बता देता है। तो वहाँ पर है 1676, तो 1676 डालता हूँ। तो फ्रेंड जिससे कि अभी देख सकते हैं 1876 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1876, तो हमारी साइज हो जाएगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम जो इसमें फ़ोटो ऐड करेंगे वो फटेगी नहीं। तो हम चलिए यहाँ से जाएंगे अब ऐड फोटो पे, और वहाँ से हम अपनी फ़ोटो को कर देते हैं ऐड। तो हमारी जो फ़ोटो कटआउट है ये रहा, उसको हम यहाँ से कर देते हैं ऐड। तो इस तरह से हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे दोबारा टूल्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ से इसे कर लेंगे हल्का सा क्रॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक जो मैं इसमें PNG ऐड करूँगा, उस PNG की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये जो PNG है यहाँ से कर लेता हूँ इसे ऐड। तो फ्रेंड्स आप इस PNG की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इसके यहाँ से जाएंगे यहाँ से ब्लेंड में, और इसकी हम कर देंगे स्क्रीन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ से इसे कर देते हैं बड़ा, ठीक है ठीक है, इतना रहने देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से ठीक है इस तरह से हम कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको जाना है उसके बाद यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन में, यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च इस पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आपको यहाँ से इस वाले को ले लेना है, और इसकी साइज को बहुत कम कर देनी है, और यहाँ से आपको वाइट कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसको बाद आपको यहाँ से इस तरह से इसमें बना लेना है एक, ठीक है। अब इस तरह से इसे बना ले, उसके बाद देख सकते हैं हमारी पिक लुक ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से यहाँ से कर देना है सेव, और उसके बाद इस पिक को लाइट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको उस फोटो को कर लेना है यहाँ से ऐड, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ से इसके कुछ कलर करेक्शन करेंगे, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी पिक की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हम यहाँ से जाते हैं सबसे पहले सन वाले ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ से डायरेक्टली पहले सब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से सन वाले ऑप्शन में जाना है। तो आपको ये मैं बता, ये है सन वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी हाइलाइट्स को कर देंगे कम, ठीक है, हल्का सा कम कर देंगे। और उसके बाद इसकी शेडोज़ को है हम हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। और वाइट्स को हम कम कर देंगे हल्का सा, और ब्लैक्स को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से ब्लैक्स को भी कम कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे पिक की जो लाइटनिंग है बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गई है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे जाना है बिगनेट वाले ऑप्शन में, और इसकी क्लैरिटी को हल्का सा हाई करना है, और इसकी बिगनेट को कर देना है कम, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिससे कि हमारी पिक लुक कुछ और ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इसके नीचे वाले ऑप्शन में, यहाँ से इसकी नॉइज़ रिडक्शन को 30 के आसपास कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसकी कलर नॉइज़ रिडक्शन में 30 के आसपास कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी पिक देख सकते हैं कितनी स्मूथ और HD क्वालिटी में हो गई है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा और इसकी क्लैरिटी बढ़ा देंगे, तो जिससे कि हमारी पिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, और इसकी हम मिक्स में जाएंगे, और इसके हम ब्लूज़ जो है इसकी यूज़ को हम कर देते हैं ब्लू सिलेक्ट करके, इसकी यूज़ को हम कर देंगे इस तरह से, ठीक है, माइनस में, और इसकी ल्यूमिनेंस भी कर देंगे कम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोफाइल में, तो ये हमारा प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ से आर्टिस्टिक फॉर्म आपको दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स।
इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे तो देख सकते हैं कि हमारी पिक की लुक कितनी अच्छी हो गई है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। तो हमारी पिक फ्रेंड्स बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और देख सकते हैं हमारी पिक पहले कैसी थी और अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ गई है। तो आप इस तरह से इस फोटो को बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।